चेयरमैन मैं मोहसिन अब्बास, आप देख रहे हैं पब्लिक। याकूब का अहमद फराज साहब ने कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपने हिस्से की शम्मा जलाते आ रहे हैं। सीनियर कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, दानिश्वर हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसे मिजाज हैं आप? आपकी दुआ है सर। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। सर आज कॉमेडी रिमांड में आपको फुल बेंच का सामना करना होगा, आपका कॉमेडी रिमांड होगा। किस किस्म का फुल बेंच? सर बस है हमारे पास एक बेंच तीन लोगों का। अच्छा, तो आप अपना केस खुद लड़ेंगे या हमारे पास ऑप्शन हैं सर आपको देने के लिए? आजम नज़ीर तारर साहब को बुला लें आपके लिए। हम बुला लें? आप अपना केस खुद नहीं लड़ेंगे? आप आपसे तो ये तवक्को नहीं थी मुझे सर। आपने कहा कि आजम नज़ीर तारर साहब को बुला लेंगे, तो अगर मुफ्त का वकील मुजस्सर हो तो फिर क्या जरूरत है मुझे मुकदमा लड़ने की? बुलाएं भाई, आजम तारर साहब ही आएंगे अब। बल्कि हमारे पास सर उनसे बेहतर एक वकील हैं, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, यार थोड़ी देर में बुलाएंगे। अपनी बात पर तो कायम। सर मेरे पास ऑप्शन थे सर, सस्ता वाला मिल गया सर मुझे। नहीं, सस्ते क्यों हो रहे हैं आप? सर बस अभी बजट नहीं है सर मेरे पास। अच्छा, तो बड़ा होके बड़ा वकील लूंगा सर मैं। अच्छा, बड़े हो जाएंगे आप? आपकी रस्ते शफकत में रहूंगा तो हो जाऊंगा सर। 15-20 साल से तो हुए नहीं सर। देखिए आपकी शख्सियत और सहाफती खदमात को देखते हुए मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने IMF से कुछ माहिए मंगवाए हैं सर। अगर आपकी इजाजत हो सर मैं वो पेश कर सकता हूँ। वो महंगे हैं सर। कभी आप वकील मंगवाते हैं सर, देखिए कभी मुआशी मार। अभी आपको मेरे बजट पे शक है सर। और फिर कभी कहते हैं बजट नहीं है, फिर कहते हैं कर्जा लेने वाले बुलाए हैं सर। माहिया जो है वो देने वाले, वो मेरी खुद की इख्तरा है सर, इसलिए वो कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे। चलिए जिसको चाहे मर्जी बुला ले। आपकी इजाजत है सर? बिल्कुल सर। एक मिनट रुके, फिर इजाजत मिल गई है शामी साहब से, बजाओ लौंडो। सर अर्ज किया है, ओ कोई बेला जनाब दाए, कोई बेला जनाब दाए, सबनू यकीन जिस दे है शामी सब दए, बिजली दा मीटर ओए, बिजली दा मीटर खबर भी सच्ची होंदी नाले तजजिया गौर करने की बात है, गौर से सुनो करीब आकर के। हो कोई लोकी कहंदे ने सर, बात यह है कि कोई लोकी कहंदे ने बाकी सारे डिनर देंदे है, है नाश्ता कोई गुस्ताखी तो नहीं की मैंने? अगर की भी है तो माफ है। आई लव यू सर। सर आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको इतनी देर खड़ा नहीं रख सकता, प्लीज तशरीफ रखिए। खवातीनों हजरात, मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर पहला सवाल तो ये है कि आवाम जानना चाहती है कि बिजली का बिल अदा करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट के जज्बात क्या होते हैं? मेरा बिल जो है ना जी सर, तो मेरे बच्चे अदा करते हैं। ओके, तो इसलिए मेरी दुआ है कि हर एक के बच्चे इस काबिल हों कि बिल अदा कर सकें। हाँ हाँ हाँ। सर आवाम बिजली का रिलीफ मांग रही थी और हुकूमत ने यह हल निकाला कि उसने बिजली चोरों पर छापे मारने शुरू कर दिए। सर मेरी गुजारिश यह है कि वो जो ब्लैक होल्स हर साल करोड़ों यूनिट्स बिजली के हड़प कर जाते हैं
उन पे कोई कुंडा क्यों नहीं डालता सर? अब ये काम शुरू हुआ है तो हमें मुतालबा भी करना चाहिए और तवक्को भी रखनी चाहिए कि हर होल बंद किया जाए, लेकिन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो क्या हम इस कम वक्त में इस मुकाबले में जीत पाएंगे सर? ये तो अनवारुल हक काकड़ साहब तो ये कहते हैं कि हाँ हम कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन सर अनवारुल हक काकड़ साहब के पास ये मैंडेट है, वो तो निगरान है ना, वो तो 90 दिन के लिए आए हैं, तो उनको चाहिए इलेक्शन करवाने चाहिए नहीं? तो पाकिस्तान की रवायत ये है जी सर कि जब कोई इक्तदार पर आता है तो अपना मैंडेट खुद ही बना लेता है। तो सर आपकी दूरंदेशी क्या कहती है, कोई चांस है कि वो मैंडेट बना लेंगे अपना? नहीं, अगर तो कुछ कर गए। अच्छा ओके ओके, अभी तो थोड़ी लोगों को ठंड पड़ रही ना, इसलिए ठंड नहीं पड़ रही कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ठंड इसलिए पड़ रही है कि दूसरों को तकलीफ हो रही है। जी जी, जो तकलीफ देते रहे हैं आवाम को उनको तकलीफ हो रही है, तो इससे कोई ठंड पड़ रही है। ओके, अगर ये तकलीफ वो देते रहेंगे और लोगों को रिलीफ मिलती रहेगी तो दो चार दिन ज्यादा भी गुजार लेंगे तो कोई बात नहीं। तो सर ये जो ठंड प्रोग्राम जारी हो सारी है, इसमें इनको ताईद हासिल होगी और पकअप मिलेगा पीछे से? सर सब कुछ तो पीछे ही से होता है। वही तो सर, ना हक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जिसका पीछा मजबूत होता है उसका आगा भी मजबूत हो जाता है। वाह 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 वाह, सर पड़ोसियों का चंद्रयान तो चांद पर उतर गया सर, और हम अब तक मुंतजर हैं कि वो जो एक चांद तुलू होना है लंदन से वो हम कब देखेंगे? सर शहादतें तो मुकम्मल हो चुकी हैं, आपको लगता है कि देख पाएंगे हम वो चांद कभी? ये तो रोयत हलाल कमेटी पर मुनहसर है। अगर जवाब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद जो हैं उनकी आंखों से चांद देखना है वाह, तो फिर तो चांद चढ़ ही जाएगा। सर मुझे लगता है वो हाल ना हो जाए, बड़ी देर की मियां आते आते। अब ये तो बीवी को फिक्र होनी चाहिए ना। ओके सर। सर ये कौम भी तो एक मजलूम बीवी की तरह ही जी रही है सर, पैर दे जुत्ती बन के। नहीं, हर बीवी तो मजलूम नहीं होती। जी सर मुझे पता है। और हर जूती भी पाँव में नहीं होती। एग्जैक्ट, वो जूती सर पे भी आती है। हा हा हा, वाह 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 आदाब। वालेकुम आदाब। शहरे इक्तदार से ताज़ा तरीन खबरों और फटी पुरानी शायरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर परवीन साबिर शाकिर। ओहो साबिर शाकिर। और परवीन भी सर। उसकी परवीन है आप। और एदा मुंह तको तुसी ना, ते एदे कोल खबरां ताज़ा ने और एदी शायरी दी तरह बल्कि खबरां दा छाण बुरा हुंदा एदे कोल। परवीन कहीं भी गई लौटी तो आपके पास आई, एक यही बात अच्छी है आपकी भरजाई की। भरजाई की? भरजाई मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं किसी की भाभी बन सकती। उफ अल्लाह। जीवे मेरा पाई ते मेरी गली गली भरजाई। शामी साहब थोड़ा लिहाज रखना है, परसों भी एक सीनियर सहाफी थी जुत्ती खा गई सी। अच्छा? जुत्ती जुत्ती खा गई सी? जी जी। बड़ी सफर वाली है। साबर शाकर तो ना देना लगे हुए। बिल्कुल। एक खादी है या दो खादियां ने? नहीं, एक दोपहर दी खुराक रखी। उन फिर शाम दी खुराक मेरे मुंह में वो। सर नाश्ता बड़ा अच्छा करवाते हैं। अच्छा, नाश्ते में खाएंगी जूतियां? नहीं, नाश्ते जूती नहीं होती। अच्छा नहीं, नाश्ते में क्या है सर? क्या ये धक्का होता है? आपकी तरफ से नाश्ता हो ये धक्का, ये धक्केशाही कबूल है। ये मेरे आइडियल भी हैं और रूहानी उस्ताद भी। कैसे हैं शामी साहब आप? अच्छा, आप मेरी रूहानी शागिर्द हैं? यस। ठीक है, अच्छा हूँ फिर। फिर तो अच्छा हूँ। ये किसको लाइए साथ? और रूहानी उस्ताद ने ना होली होली ने गायबाना शागिर्द हो जाना है। तू मैनू नहीं पछाणिया? नहीं सॉरी, वेरी बैड मोशन। आई एम सो सॉरी। आज मैंने यकीन हो गया कि तेरा सहाफत नाल मीडिया नाल ते स्पीड नाल कोई ताल्लुक नहीं। सॉरी सर। मेरी जान शामी साहब ने तू बुला लिया तो मैंने तू पछाणिया ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैंने यकीन हो गया कि तेरा इस इदारे नाल उतना ही ताल्लुक है जितना पाकिस्तान का G20 इजलास नाल है। सॉरी ना, आपका शामी साहब से क्या ताल्लुक है बता दे। मेरी जान, कभी भी तू सताए मुर्तफा पोठोहार दियां चढ़ाइयां चढ़ रहे होवे ते गड्डी दियां क्लच प्लेटां धुआं मार जान ते तू गड्डी चो बाहर निकल के किसे नूं भी खिलार के पुछणा। गल सुनो जी, जावेद चौधरी नाजी साहब केड़ी जाई ते मिलसन? लो तो पहले बताना था,
ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾ? ਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਓ ਮੈਂ ਪਟੋਹਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਲਸਾ ਆਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਰਜਮਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਛੇ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਹੈ। ਓਏ 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 ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ, ਖਲੋਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗੀ, ਓਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੋੜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਖ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਰ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਨਕੇ ਗਾਓਂ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇਨਕੇ ਤੁਫੈਲ ਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਇਨਕੇ ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਤੁਫੈਲ ਮੁਝ ਮੇਂ ਸੁਰ ਸੁਰਾਇਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਕਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ। ਵਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਜੁਲ ਆਰਫੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਵ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵੋ ਕਸਬਾ ਮੌਸੂਮ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਕੁਛ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸਰਾਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਆਪ ਯੇ ਤਬਲਾ ਸਰੰਗੀ ਪੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੈਨੇ ਆਬਿਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮਲੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਰਦੀ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੂੰ, ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ? ਜੋ ਸੋਤੇ ਹੋਗੇ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਸੋਨੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਤੀ, ਇਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਮੈਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਮੰਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁੰਜੇ ਸੌਂਦੀ ਫਿਰ? ਜੀ ਜੀ। ਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨ ਚੜਾ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਭਾਂਜਾ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਵੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਵੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਲ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਰੇ ਤਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੁਹਰਾਨਾ, ਇਸ਼ਾਈਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਮੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਰੀਅਲੀ? ਆਪ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪਰ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ? ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਛੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। यहाँ बहुत से समझदार लोग बैठे हैं, आइए इनसे करते हैं मजे मजे के सवाल। सबसे पहले तो सर जी आपसे, शामी साहब आपने यासर शामी को दुआ दी है और मैं हूँ यासरा शामी, सो मुझे भी दुआ दें कि मैं हिट हो जाऊँ और ऑडी पे उड़ती फिरूँ।
ये यासरा शामी की ऑडी में आप उड़ना चाहती हैं या अपनी कोई अलग ऑडी लेना चाहती हैं? अपनी अलग ऑडी यासर शामी के पास तो है, उसमें आप भी बैठ सकती हैं ना। तो उसमें पहले बड़े लोग बैठे हुए, वो हमारे शो पे इतराफ कर गए, वो दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। अच्छा उन्हें तो मेहनत ना ऑडी लई है, तू ऑडी शोखी ना हो। मैं तंदा अब आपसे पूछते हैं जी। मुझे बताइएगा कि भैंस के आगे बीन बजाना क्या होता है? जो तुसी कर रहे हो। आप तशरीफ रखिए प्लीज, क्यों डिस्टर्ब करेंगे, चलते शो को। थैंक यू शामी साहब। वो बीन कहाँ गई, इनके सामने नहीं बजानी? सर वो भैंस के आगे बजानी काफी है सर। अच्छा कट्टे के सामने नहीं बजाई जा सर। चल गुस्सा नहीं करी था बड़े ने, जे तेन कट्टा कह छेती कडो। सर आपने अभी यासर शामी साहब का जिक्र हो रहा था, उनकी तो सरपरस्ती की ही आपने, साथ ही साथ आपने डॉक्टर मोहम्मद यूनिस भट्ट साहब की, ताहिर सरवर मीर साहब की, और मेरे ख्याल में तो पूरा पाकिस्तान ही मुस्तफीद है, तो आप लेकिन स्पेसिफिकली यासिर शामी के टैलेंट पर क्या कहें? डॉक्टर यूनुस भट्ट हों, ताहिर सरवर मीर हों, यासिर शामी हों, ये जो सोना होता है ना, जेवर तो उसी का बनता है ना। वाह 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 क्या अच्छा है, मिट्टी से जेवर नहीं बनता। तो इनका जो टैलेंट है, यानी वो खुद जाहिर हुआ है, टैलेंट अपने आप को मनवाता है। यासिर शामी जो है उसने भी अपनी धाक बिठाई है, उसकी जो व्यूअरशिप है मिलियंस लोग यानी उसको फॉलो करते हैं जी, बिल्कुल। तो ये तो मेहनत है ना, उसका समर है। और इसी तरह से अगर ये भी मेहनत करें तो इनका भी कुछ ना कुछ मामला हो जाएगा। शामी साहब अगर आप मेरी सरपरस्ती करें और मैं सोना बन जाऊं तो फिर इस सोने से जेवर कौन सा बनेगा, पंजांगला या माथे की बिंदिया? ओहो इस सोने से तो लोटा ही बनेगा। चल कोई नहीं, तो सेनेट इलेक्शन आ रहा, वेक भी जा से हैं। शामी साहब तुसा की पता, मैं असल चा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सियाने आखते ने क्यों जो तो सिद्धी उंगल नाल ना निकले तो मैं नो नाल काट लेना। क्यों निकल आंदा है ना? हाँ जी। तो फिर परेशानी का भी है गल तो ठीक है। क्यों तो हल हो गया, मुबारक हो, वेरी गुड। ये नो नाल क्यों कटदा है, तो माशाल्लाह चार नो आने नहीं है। हाँ एक जरा ज्यादा फैल गई है, मैं कटती करो। शामी साहब की नजरे करम से मैं सोना बन जाऊंगी और उस सोने से बनूंगी तवीतरी और कहती फिरूंगी जे मैं हुंदी टोलना वे टोलना सोने दी तवीतरी। शर्म कर, तेरा बड़ा मुंडा वेख रहा तेरा। आप देख कर रही है वाला लौट गया ब्रेक के बाद, क्या आए हो मुझे तो छोड़। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और चल रहा है उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब का कॉमेडी रिमांड। सर जान के मान पाऊं तो एक सवाल अर्ज करूं सर, अगर हम माजी में देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये काविश करने की कोशिश की है कि वो पहले वाजपेयी साहब को लेकर आए, मोदी साहब को भी लेकर आए, तो क्या हम ये रियलाइज कर चुके हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होना ही पाकिस्तान के हक में बेहतर है? देखिए तरक्की जो है हमसायों से लड़ के आप तरक्की नहीं कर सकते। वाह। और आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाय नहीं बदल सकते। वाह 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 वाह। और जब वाजपेयी साहब यहाँ आए जी सर, और अगर उस वक्त वो मामला आगे बढ़ता हाँ जी, तो हम कश्मीर का मसला हल कर चुके होते। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक, लड़कर मर तो सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। वाह 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 वाह। पर गलती हो ये ना शामी साहब, तुसी तको इंडिया इक्तसादी मुआहदे कर रहे हैं, साड़ी हले तक मरदम शुमारी नहीं मुकम्मल हो रही। और बंदे जो इन्हें पैदा कर देते ने वो गिने नहीं जाते, कोई इधरों गिर पैंदा है, कोई उधरों गिर पैंदा है। साड़ी आबादी कितों घट होनी जी, लोड शेडिंग ही नहीं जान छड़ रही। सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छे भाई। ए चांद चढ़ाएंगे ना तो रोशनी हो जाएगी। तो मैंने कब आबादी बढ़ाई है, बस एक छोटा सा मोहल्ला ही
इजाद किया है। अच्छा वो भी दूसरों से, कौन सा मोहल्ला था, नाम ले दूं? प्लीज प्लीज मोहल्ले का नाम ना ले, बस ये कह दें नज़ मियां सल्ली की हवेली। एहो जे हीरे कितों लभ के लियावा, तेरी मंडी से जावा। शामी साहब एहो जे हीरे पानी ले तला च लभो, उतो डूब जाओ है जाके। शामी साहब आपसे डेढ़ जूनियर सहाफी निगरान वजारतों के मजे लूट रहे हैं, सर आपको कभी कोई ऑफर नहीं आई ऐसी? आई है। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने माजरत कर ली। आप नहीं चाहते किसी भी ओहदे पर फायज होना? नहीं। ओके, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सियासत पर लिखने का शौक तो है जी, लेकिन सियासत करने का शौक नहीं। शामी साहब वसी शाह वजीर सियाहत बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ किया हुआ वादा नहीं पूरा किया। क्या वादा किया था उन्होंने आपके साथ? उन्होंने कहा था वजीर बनते ही तुम्हें खातून अव्वल बना लूंगा, लेकिन अब मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। मैंने तो कई बार उन्हें लिखकर भी भेजा है, अपनी मिनिस्ट्री से छूकर मुझे अमशीर कर दो। आप वसी शाह साहब का मिसरा खराब कर रही हैं आप, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। एनु शायद पता नहीं ना, एनु वो संदल करके यदि चिता जला के आप जा चुके। वसी शाह को भी नहीं पता मैं कहती फिर रही हूँ। चिंता ता चिंता 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 ता ता चिंता ता चिंता 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 ता ता। वाह सिर्फ फैज साहब की साहबजादी, वारिस मीर साहब के बेटे, फिर नजम सेठी साहब पे भी काफी पंक्चर्स के इल्जाम है, आपने ना कोई वजारत एंजॉय की ना कोई पंक्चर लगाए, क्यों सर? जो पंक्चर तो सेठी साहब पर इल्जाम है ना जी सर, उन्होंने लगाए नहीं, और जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो उससे भाग गए। उन्होंने कहा ये सुनी सुनाई थी, अदालत में आकर वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सके। ओके, लेकिन देखें नजम सेठी साहब हों या अरशाद हकानी साहब हों, आरिफ नजामी साहब हों या सोलंगी साहब हों, अगर वो मुनासिब समझते हैं कि वो वजीर बने, अच्छी बात है, उनका हक है। अगर कोई समझता है कि वो वजीर बन के किरदार अदा कर सकता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं समझता, मैंने अपने लिए मुनासिब नहीं समझा। मैं क्या शामी साहब तुसी सारे साफियां का नाम लिया ते मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं लिया, वो कुकलीना का काम कर दें। मोहसिन नकवी साहब जेड़े ने अब जो वजारत वो कर रहे हैं उसने तो धाक बिठा दी है उनकी। इतना मुतहर्रक वजीर आला जो है और इस कदर यानी चाको चौबंद, और यानी आप उसकी तो दाद देंगे आप उनको बढ़दा। हाँ तो मैं समझता हूँ बड़े कामयाब वजीर आला है वो। गल तुसा नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस किस्म नहीं उन्होंने बॉडी लैंग्वेज है लगता ही नहीं निगरान वजीर आला ने, लगता जिमें पक्के पक्के बैठ गए। पक्के काम भी कर रहे हैं, मगर गल ये है वो ना आप बैठे ने तो उन्होंने ना आप उठना है। अच्छा, जिन्होंने बिठाया है वो ही उठाएंगे। वैसे सर कोई ऐसी पार्टी है या थी कभी कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट के इनक्यूबेटर से जन्म न लिया हो? बस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर जो आप कह रहे हैं उससे इत्तेफाक करना मुझ पे फर्ज है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि सहाफियों को निगरान वजारतें नहीं लेनी चाहिए। लोग तो ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दिले निगरान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, क्या है? देखिए बात यह है जिन लोगों की ये राय है वो ना कबूल करें, ठीक है, जिनकी राय है वो कबूल करें, ठीक। अच्छा प्लीज इधर देखे ना ये मेरा गजरा कैसा है। एक गजरा उन्होंने वखाओ तुसी। चले ये बता दे मेरा कजला कैसा है, वो भी उन्होंने वखाओ। कजला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सर सुना आपने? सुना, इन्होंने वड़ी वास्ते बन लो। अच्छा बाजी तोड़ियां खंज कजला पता केड़ा अच्छा लगेगा? जी कजला बकरा। और तुम ही एथो बैठा दोंदा बकरा ही लग रहे हैं। क्या हमारे यहाँ प्रोडक्ट हमेशा अपने मैन्युफैक्चर के साथ झगड़ा करती दिखाई देती है, प्रोडक्ट भूल क्यों जाती है कि मैन्युफैक्चर जो है उसने चोर स्विच अपने पास रखा हुआ है। सर ये झगड़ा कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा, कभी खत्म होता नजर नहीं आता। जब जान पड़ती है ना उसके नताइज भी होते हैं, या तो बेजान रखें। वाह 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 वाह। कठपुतलियां जो हैं, आहा, जब उनमें आप रूप फोंक देंगे वाह, तो वो तो फिर
अपनी मर्जी करेंगी। तो मैन्युफैक्चर बेसिकली ये कहता दिखाई देगा कि मैंने जो बुत भी तराशा वो खुदा हो बैठा। हाँ, क्या कहा हफीज ने, उसने नजर की आबरू सनते ब्राह्मन से है, जिसको सनम बना लिया उसको खुदा बना दिया। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, कहाँ गायब थे आप? दरअसल मैं गायब नहीं था, मैं एक केस में लगा हुआ था। लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि शामी साहब पब्लिक डिमांड में आ रहे हैं, तो मैं अपना केस जो है ना छोटे स्टैंड पे खड़ा करके आ गया हूँ। और उसमें मैंने वायर लॉक भी नहीं लगाया है। खैरियत है, शामी साहब से काम वाम है कोई? दरअसल मैं शामी साहब से कुछ तंदो तेज सवाल करने आया हूँ, अगर इनकी इजाज़त हो, अगर आप परमिशन दें तो। नहीं, कोई इजाज़त नहीं। आपने मेरा काम आसान कर दिया, मैं अगले केस पे जाता हूँ। भाई जी, तुहानू ना हो गई, आओ तुहानू मैं टोकरे थले वापस डालता हूँ। एक मिनट यार, सर आप इजाजत दे दे, वरना मेरा चेक रुक जाएगा। इजाजत के बगैर बोल रहे आप? नहीं नहीं सर, आपकी इजाजत के बगैर नहीं बोल सकता। अच्छा चलो कर ले फिर। चले, अब इतनी इज्जत उन्होंने दे दी, मैं भी आपको थोड़ी इज्जत देता हूँ, बैठ के कर ले सवाल। अरे वाह, चल जब तक दो चाय पकड़ लो जाओ। अच्छा मरासी क्यूटर साहब, तुसी पूछो। प्रोसिक्यूटर, आओ आओ आओ, पूछो जी। अपने खिलाफ एहतजाज कराना चाहता है तू? अब एक बात बताइए, उसे तो आप सारे सियासतदानों की क्लासें लेते हैं नो डाउट, लेकिन कासिम के अब्बा को कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स देते हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है सर? नहीं, कासिम के अब्बा जो हैं तो उनसे तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे दिल में हर सियासतदान के लिए नरम गोशा है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो मेरे दिल में रहता है। आपके जवाब से एग्री करता, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद कासिम के अब्बा को देसी चूजे पसंद हैं और मियां बिरादरान को मछली की बोटियां और नलियां, और ये चीजें आपको भी पसंद है। जो नवाज शरीफ साहब हैं, देसी मुर्गा उनको भी पसंद है। वाह। और देसी मुर्गा जो है कासिम के अब्बा को भी पसंद है। जब देसी मुर्गा दोनों की पसंद है तो फिर लड़ाई किस बात की है? हाय हाय। फिर उस मुर्गे की लड़ाई पहले कौन खाएगा? दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम तो होती थी, दो सियासतदानों में तो मुर्गा हराम नहीं होना चाहिए। वाँ वाँ। अच्छा मोहसिन पापे, तन दसा एहो जे वकील अपना केस भी नहीं लड़ता, पूछ क्यों? क्यों? पता मैं हारते जाना ही। ये बेचारा आज तक लर्निंग लाइसेंस पर वकालत कर रहा है। अरे तुम्हें तो लर्निंग लाइसेंस लगेगा, तुम्हारे केस लड़ने के लिए हेवी वेट लाइसेंस चाहिए मुझे। टांगे पे भी लाइसेंस होता है। शामी साहब, मैं टांगा नहीं बग्गी हूँ, बल्कि फूलों की रथ हूँ। मौजा हो गई हैं, बेहतर लाइसेंस की लोड ही कोई नहीं। मौजा हो गई हैं, शाम सवेरे हूँ मौजा ही मौजा, शाम सवेरे मौजा ही मौजा, दिन दिहाड़े मौजा ही मौजा, दिन दिहाड़े भी मौजा। कभी ये बग्गी हैं, कभी ये चकड़ा हैं, कभी ये फूलों की रथ हैं। पूरों की रात है। अगर शामी साहब की जगह मैं होता, मैं तेरे कलेजे च रात मारनी सी। शामी साहब, आप पे बहुत संगीन इल्जाम है कि नजीर नाजी हसन निसार की तरह चटपटी चीजें बेचे बगैर आप इतने बड़े कॉलम निगार कैसे बन गए? कैसे बन गए? हाउ, टेल मी। हसन निसार साहब, नजीर नाजी साहब तो बड़े कॉलम निगार हैं। वाह। नजीर नाजी साहब तो आजकल नहीं लिख रहे, तबीयत उनकी दुरुस्त नहीं है, तो मैं तो एक छोटा सा लिखने वाला हूँ उनके मुकाबले में। ये आप आजी से काम ले रहे हैं, इनके सारी से काम ले रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, किसी को कोई जहमत ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो जाए। वाह। हर एक का अपना तरीका है, कोई ललकारता है, कोई पुचकारता है। वाह। कोई मतलब मुस्कराता है, कोई कहके लगाता है, कोई रोता है, कोई रुलाता है। वाह वाह वाह। अच्छा मोहसिन, एहो जे वकील नू ना क्लाइंट सिर्फ इन्ना ही कहना तू मोटरसाइकिल को खलो, मैं रंधावा साहब नूं मिल। उसका मतलब है कि आप मखमल में लपेट के लिखते हैं? कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चुटकी तो ले लें। hmm. वो कहते हैं पंजाबी जड़ कहते दंदी ना वड़िए। शामी साहब, ये मशहूर है कि आपके दौलत कदे में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये जो औरत आपके साथ बैठी है, इसने सहाफियों का RTS बैठा कर शायरों का मैंडेट चोरी किया है। शामी साहब, ये वो बदबख्त औरत है
जो अपने 5 शोहरों से नानो नफका भी लेती है और बेनजीर इनकम सपोर्ट से 3,000 का फंड भी लेती है। आपको किसने ये हक दिया है कि आप इनकी बेइज्जती करें? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं इनकी इत्तला दे रहा हूँ आपको, किस किस्म की खातून ही। पूछे, आप खुदाई फौजदार है? नहीं नहीं सर, आपसे किसी ने पूछा है? वो आप सर, आपको पता नहीं ख्वातीन की इज्जत करनी चाहिए? इनकी तो 5 बजे के बाद शेव निकल आती है। निकल आती है? फिर आपने इनको क्यों कहा कि औरत? इसका मतलब आपने गलत बयानी की। और इसके साथ ही मैं केस हार गया जी, पूरी तरह। मेरे इस पर मुकदमा चलाया जाए अभी तौहीन अदालत का। इनको सर 5 बजे के बाद झुकते की जाए, फिर कहा जाए? नहीं नहीं, बात यह शेव निकल आए। हाँ भाई, इसने इतनी तलाकें ले ली है कि अब पूरा मोहल्ला इसे तलाकन कोफ के नाम से जानता है। आपकी क्या तकलीफ है आपको? मुझसे भी शादी कीजिए, मुझसे भी तलाक लीजिए बस सर। आप छठे शौहर बनना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं आप छठे हुए हैं। मैं ये सर, मेरे साथ आपने वो किया है जो लतीफ खोसा के साथ हाई कोर्ट के अंदर, उसके साथ वह लिफ्ट भी बंद, दरवाजे भी बंद और कोर्ट भी बंद, मेरी भी बंद, सबकी बंद। और मेरी इत्थों आज तेरे सारा भी बंद है। मोहसिन अपनी जगह पे आ, आपको बहुत शौक था मेरी कुर्सी लेने का। आप देखते रहिए पब्लिक डिमांड, लौट कराएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। अरे लड़ो मत यार। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ फरमा है। शामी साहब, अपने सहाफती करियर में आपने बड़े बड़े जहीन और कम जहीन हुक्मरान देखे होंगे, आप उस्मान बुज़दार साहब को कहाँ रेट करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। जब कोई इख्तदार से रुखसत हो जाए उस पर तनकीद करते हुए मुझे हिजाब आता है। वाह वाह वाह, वो एक हादसा था, सो गुजर गया। हादसा था, गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो? आए, 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 आए। सर, बहुत सी सियासी शख्सियात के हाँ आपने दावत खाई होगी, सबसे बढ़िया बेहतरीन उम्दा दस्तरखान किसका है? फिर दस्तरखान तो उम्दा जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। आए, आए। As expected. उनको खुद भी खाने का जौक है, वो ज्यादा खाते नहीं है लेकिन बाजौक हैं। अच्छा। और अपने मेहमानों को फिर खिलाते भी खूब अच्छी तरह। एक मैंने देखा जनरल ज़ियाउल हक़ का दस्तरखान जो था जी जी। वो अगरचे वहाँ तकल्लुफ नहीं होता था लेकिन वो बड़े एहतमाम से खाना खिलाते थे। वाह। शाम साहब प्लीज़ खाने से याद है मुझे बहुत भूख लगी, मेरे लिए कुछ मंगवाए ना। उसी खे खा लो। उसी खे खा लो, टाइम कट के ए खा लो। मैं बहुत बुरा हूँ, हजम नहीं होता हूँ। चूरन दे देंगे ऐसा जो आप हजम हो जाएंगे। सर मैं केस हार गया, छोड़ दूंगा। सर ये बताइए कि जो कासिम के अब्बा हैं उनकी पॉपुलैरिटी ऑर्गेनिक है या फिर आर्टिफिशियल? देखिए उनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है, 25 साल 26 साल जो दश्ते सियासत है उसमें अपने जौहर दिखाए हैं। देखिए उनकी पॉपुलैरिटी घटती बढ़ती रही है। जब वो इक्तदार में थे हर ज़िमनी इंतखाब हार रहे थे और जब उन्होंने इक्तदार छोड़ा तो वो आसमान पर उड़ने लगे। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोग कहते हैं ऑर्गेनिक है या मस्नूई है, जो भी है वो अपनी फॉलोइंग रखते हैं। शामी साहब, आपने यूनुस भट्ट की किताबों के दिबाचे लिखे हैं, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर भी कुछ लिख दें। मैं कोरे कागज पर नहीं लिखता। ओए ओए। यूनुस भट्ट बने तो दिबाचा नहीं, कसीदा लिखूंगा। वाह 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 वाह। आप तो इफ एंड बट में पड़ी हुई हैं और छठे शौहर की तलाश में हैं। आपको मैं कोरा कागज, मैं क्या लिखूं उसके ऊपर? छठे शौहर की तलाश में मैं इसलिए हूं कि मैं एक छठी हुई औरत। तो छठी हुई औरत को दिबाचे की जरूरत नहीं होती, इसको एक कबाचे की जरूरत है सर। ओके, तमाचे की जरूरत है। नहीं सर, मैं कहता हूँ इससे लिखवा ले, पीठ पे लिखवा लो, टू लेट। ओ शामी साहब केड़ी गाले, कोरे कागज से लिख छोड़ो, यहाँ कूड़ा फेंकना मना। अरे भाई नहीं, यही तो कूड़े का असल मुकाम है। शामी साहब आपकी 5 उंगलियां बल्कि खाली हैं, प्लीज ये मेरी तरफ से एक अंगूठी पहन ले। किस बात के लिए निशानी? उस्तादी शागिर्दी की निशानी। ये किस चीज की अंगूठी है? ये गोल्ड की, मैंने अपने हाथों से। तो मैंने वापस नहीं करनी फिर? देख ले। हाय हाय शामी साहब, इसको तोशे खाने का माल ही समझो। ना मैं हूँ ना आप बुशरा बीबी हैं, इसलिए अंगूठी अपनी पास ही रखें। मैं बुशरा बीबी तो नहीं, पिंकी तो हूँ। मैंने अंगूठी नहीं पहनी। मोड़ो किसे? मैं पता है मेरा नंबर कहाँ लग जाएगा, 6ठा 7वां 8वां। और मेरे घर वाले जो हैं वो कुंडी लगा लेंगे। मैंने वापस घर जाना है। मैं आपको सी ऑफ करके आऊंगी। कहाँ? आपके घर। लो
अगर अंगूठी पहन ली तो अपने घर कैसे जाऊंगा, फिर तो आपके घर ही आऊंगा। आपने वाकई आज पब्लिक डिमांड में एक यादगार इनिंग्स खेली है, लेकिन अब वक्त हुआ है कुछ पेनल्टी शॉट्स का। सर आप उनके जवाब सोचे समझे बिना देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ तुम दो तेज सवाल है सर। सर फेवरेट जूनियर आपके, हामिद मीर या सुहेल वड़ाइच? सुहेल वड़ाइच तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और हामिद मीर भी अच्छे लगते हैं। हम इसमें से क्या नतीजा अखज करें सर? नतीजा ये अखज करेंगे कोई नतीजा ना निकाले। सर बेस्ट कॉलम निगार, हसन निसार साहब या अताउल हक कासमी साहब? हसन निसार साहब जो हैं उनके यहाँ जज्बा है और एक गुस्सा है, वो बदलना चाहते हैं इर्द गिर्द को। कासमी साहब, अताउल हक कासमी साहब हैं वो मजा निगार हैं, शगुफ्ता तहरीर है उनकी, वो आप उनको वो गुदगुदाते हैं आपको। वाह, तो अब ये आप ये मवाजना नहीं हो सकता। सर जब आप अखबार उठाते हैं तो पहले कॉलम किसका पढ़ते हैं ये बता दें, कासमी साहब का या फिर हसन निसार साहब? नहीं नहीं, हसन निसार साहब का कॉलम तो आजकल मुझे नजर नहीं आता, कासमी साहब का पढ़ते। ओके, पसंदीदा अखबार आपका सर, रोजनामा जंग या रोजनामा नवाए वक्त? मैं तो खुद एक रोजनामे का एडिटर हूँ, रोजनामा पाकिस्तान, तो इसलिए मैं तो फिर यही कहूंगा कि अपना ही बच्चा सबको अच्छा लगता है। क्या बात, बिल्कुल ठीक है सर। फेवरेट चौधरी सर, चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी परवेज इलाही? चौधरी मोनस इलाही। वही ना सर जो अपने अब्बा को सलाखों के पीछे छोड़ के बाहर के मजे लूट रहे हैं? नहीं, वो बाहर पहले गए हैं, वो अब्बा सलाखों के पीछे बाद में गए। सर मरियम के पापा या कासिम के अब्बा? मरियम के अब्बा जो हैं जी सर, उनका अपना जायका है, और कासिम के अब्बा जो हैं उनका अपना मजा है। सर मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ? देखिए मियां नवाज शरीफ जो है ना वो सूरज हैं, और मियां शहबाज शरीफ चांद हैं। सूरज की रोशनी वहां पहुंचती है तो चांद जो है जगमगाता है। तो अगर सूरज की रोशनी ना हो तो फिर अंधेरी रात होती है। तो सूरज मियां नवाज शरीफ साहब। ओके सर, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे मेहनत करते नजर आते हैं। वेरी नाइस। मरियम का जो हलका है वो भी बड़ा वसी है, उनको भी जरा थोड़ी मुताले की आदत डालनी होगी, मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक है, मेहनत कीजिए हसद मत कीजिए। पसंदीदा शायर गालिब या इकबाल? इकबाल। क्या बात। मौलाना फजल रहमान का मुआनका या जरदारी साहब की जादू की जप्फी? देखिए मौलाना फजल रहमान जो है ना उनका मुआनका जो है मुझे अच्छा लगता है। ओके। सॉफ्ट होता है ना, ठीक है, पोला पोला मुआनका होता है। जप्फी जो है जी वो काफी खतरनाक होती है। मधुबाला या शमीम आरा? अब ये सब भूल भाल गया। चले मेरा नाम ले लीजिए। अब आपका? फिर आपने देखा मुझे उल्फत की नजर से? आहा। मुझे तो बड़ी आपके तेवर खतरनाक नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं शमी साहब, बनेंगे अब और सितारे आसमां के लिए। तो मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। चलिए शुक्र है मोहब्बत का इकरार तो किया आपने। जो कमंद डालेगा उससे मोहब्बत होगी ना। कमंद? मैं तो कुंडा डाल लेती हूँ। ओहो हौली बोले हौली, वो बिजली चोर जो हैं उनको पकड़ने वाले फिर रहे हैं। अरे मेरा मीटर पुट्ठा चलते देख लिए। अच्छा आपका मीटर भी है? क्या आप खुद मीटर हैं? आई एम सुपर मीटर। तो चल के दिखाएं फिर। मेरा यूनिट 45 से भी महंगा। चलो जेनु चाहिदा होएगा दे देगा। मैं आपको सब्सिडी दे दूंगी। सीडी? सुहेल अहमद साहब या आफताब इकबाल? सुहेल अहमद साहब या आफताब? तो देखिए वो तो परफॉर्मर हैं। हाँ जी। और दानिश्वर भी हैं। आफताब इकबाल सिर्फ दानिश्वर हैं। वाह 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 वाह, सर मिल गया जवाब सर। सर बड़ी नवाजिश, आपने इतनी शफकत फरमाई, आप पब्लिक डिमांड पे तशरीफ लाए, आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, तो खास तौर पे अच्छा लगा। और मुझसे? आप पब्लिक डिमांड पे हैं आप? नहीं। मैं पब्लिक डिमांड नहीं, पब्लिक की पुरजोर डिमांड पर हूँ। फिर मुझसे बात पूछने की क्या जरूरत है? कामी साहब अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। ये तो बड़ी जो माना हो गया, बड़ा भारी मुझे। वो इसलिए मेरा नाम आएगा आपके साथ क्योंकि आप उस्तादों के उस्ताद। अगर मैं कतील शिफाई होता
तो फिर कहता कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तो मैं तो कतील शफाई नहीं हूँ, इसलिए मैं तो खुद ही जलूंगा अगर आपका नाम आएगा तो। अगर मैं कतील शफाई होती तो मैं कहती, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि आप कतील शफाई नहीं है। सर थैंक यू सो मच, आखिरी जहमत आपको यहाँ तशरीफ लाइए ताकि हम आपको अलविदा। आइए ना। थैंक यू सर। सर आखिरी जहमत ये है आपको कि हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग के नाम से, सर उसमें जो जो आपको बन पड़े इन सब के शायान शान एक एक जुमला अता कीजिएगा। सर सबसे पहले शकील भाई, चलो बुजुर्ग कुकड़ अपनी जगह पे। ये ऐसे वकील हैं कि हर शख्स को चाहिए कि अपने दुश्मन को ये वकील। पहले मैं केस आ रहा था, आश्रय में वकालत भी छोड़ लूं। सर दूसरे हैं हमारे वाजिद भाई, ये अखबार नवीस हैं। हाँ जी सर। ये ऐसे अखबार नवीस हैं कि अखबारों को इनसे बचना चाहिए। नहीं तो अखबार को क्यों बचना चाहिए जी, मैं धीमा का जड़ा अखबार को लगता हूं। अनुशुभा है जी। सर अगली हमारी पिंकी बेबी शेरी नन्ना। ये तो परवीन साबर शाकर हैं। जी सर। ये शाकरा हैं, शायरा नहीं है। क्या कह रहे हैं शामी साहब आप, मैं पूरा उर्दू बाजार हूँ, आप मुझे शायरा नहीं मान रहे। बाजार, आपको बाजार का शौक क्यों है? बार बार जाते हैं उस तरफ आप। बाजार जाने का शौक है कभी उर्दू के साथ, कभी उसके किसी दूसरे के साथ। क्योंकि हम है मताए कूचाओ बाजार की तरह। माशाल्लाह, फिर जरा अपने आप न छुपा के रखो, कोई जेब छुपा के ना ले जाए। सर ये जेब में नहीं आएगी। सर अगली है फलक जी। ये तो वो है यासरा। जी जी तो इनके लिए तो ऑडी लानी है ना। जी बिल्कुल। तो यासरा की, यासर शामी की ऑडी में बिठा देंगे इनको। सर उन्होंने इतराफ किया कि उनकी ऑडी में जगह नहीं है, हमारे शो पे वो कह गए हैं। कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, किसी को निकाल देंगे। बीवी तो कह रही थी सर यासर शामी, सीट उनकी है, अभी चार सीटें होती हैं। ठीक है पीछे बैठ जाएगी। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर जाते जाते हम आप, अभी हमारे होस्ट बाकी हैं। होस्ट जो हैं ये तो मैं, देखिए मैं तो इनका बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह, बड़े अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है। जहाँ में अहले इमां सूरत खुर्शीद जीते हैं सर, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। चलिए जाते जाते, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Thank you so much. And I'll fuck for Balker.